हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल एस्ट्रोनॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है बीएसएफ सीआईएसएफ में जो आप लोग की कंबाइंड वैकेंसी निकली हुई थी जम्मू एंड कश्मीर रीजन की, आप लोग की 1300 प्लस आप लोग की वैकेंसी थी और इसमें आप लोग के एग्ज़ाम जो थे वो 12 अप्रैल के आसपास आप लोग के इसमें एग्ज़ाम होने वाले थे। तो क्या था कि इसमें एग्ज़ाम में आप लोग के जो काफ़ी समय से डिले हो रहा था, तो जैसे ही इसके एग्ज़ाम डिले हुए थे और न्यू एग्ज़ाम के बारे में जानकारी मुझे मिली थी, मैं आप लोगों को शुरू से ही इसकी जानकारी दे रहा हूं। लेकिन शुरू से ही बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि सर जो भी आप नोटिस दिखा रहे हैं वो सही है गलत है क्या है, मीन्स कहीं फेक तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, इससे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोग को एक नोटिस भी दिखाया था। जी हाँ, अभी जम्मू कश्मीर और जो ये लद्दाख रीजन का जो आप लोग को बीएसएफ सीएसएफ की जो वैकेंसी थी, इसका मैंने एक नोटिस और आप लोग को अभी दिखाया था, जिसमें कि आप लोग के एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया था। जी हाँ, एग्ज़ाम सेंटर है आप लोग का बीएसएफ, जो आप लोग का पोलरा कैंप जम्मू है बीएसएफ, और पटनी सांबा है, इसमें बीएसएफ कैंपस राजौरी है और एसटीसी बीएस उधमपुर। ये मैंने आप लोग को सेंटर के बारे में बताया था। इसके अलावा आप लोग की जो एग्ज़ाम डेट होने वाली थी इसके बारे में भी मैंने बताया था, 18 अक्टूबर में आप लोग के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, इसमें आप लोग का जो रिजल्ट है वो 10 नवंबर को घोषित हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का मेडिकल और इसके पूरी प्रोसेस के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। तो इसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें लग रहा था कि सर ये 18 को एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, मीन्स वेबसाइट पे अभी तक नहीं आया, तो कन्फ्यूज़न तो खैर बनी रहती है स्टूडेंट्स के मन में। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से कन्फर्म था, क्योंकि जो नोटिस मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जो जानकारी मैं आप लोग को देता हूँ नोटिस के बेस पर, वो बिल्कुल सही होती है, रियल न्यूज़ आप लोग को देता हूँ। बाकी यदि डिपार्टमेंट में कोई चेंजेस हो जाए तो चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो न्यूज़ होती है वो बिल्कुल रियल होती है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, खुशी इस बात की है जो भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी वो बिल्कुल रियल थी, रियल है, इससे बच्चों को मेरे ऊपर विश्वास बना होगा। और इसके अलावा आप लोग को जो एग्ज़ाम है वो सही डेट पे हो रहे हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है, क्योंकि बच्चे काफ़ी समय से परेशान थे। तो आप लोग देखेंगे बीएसएफ की ये वेबसाइट है, इसमें दो नोटिस यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप लोग को 6 तारीख यानी कि आज का ही इन्होंने अभी नोटिस डाला है। इसमें आप लोग को रिटर्न एग्जाम के बारे में बताया गया, बीएसएफ सीआईएसएफ की जो रैली है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन की, इसमें एक दोनों ही नोटिस आप लोग खोल लेंगे, ठीक है, मैं आप लोग को इनके लिंक दे दूंगा, आप लोग को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो एक लिंक में जो है आप लोग को इसमें एग्ज़ाम के बारे में बताया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोग को इन्फॉर्म किया गया है, कांस्टेबल जीडी की आप लोग की वैकेंसी थी, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई किया था। रैली बेस पे आप लोग की वैकेंसी है, स्पेशल रिक्रूटमेंट रैली है, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन से 12 अप्रैल, जी हाँ 12 अप्रैल में इसके आप लोग के एग्ज़ाम होने थे। एग्ज़ाम इसके पोस्टपोन हुए, बीच में भी इसके एग्ज़ाम होने के पूरे चांस थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर रीजन से जो इसे मना कर दिया गया तो आप लोग के एग्ज़ाम नहीं हुए। लेकिन अभी जो नई डेट मैंने आप लोग को बताई थी 18 अक्टूबर 2020 आप लोग देखेंगे, बिल्कुल यही डेट जो है वेबसाइट पे आ चुकी है, 18 अक्टूबर 2020 आप लोग का जो यहाँ पे टाइम दे दिया, 11 आवर्स से 13 आवर्स के बीच आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को रिक्रूटमेंट सेंटर अंडर जम्मू FTR हेडक्वार्टर BSF जम्मू एंड FTR हेडक्वार्टर BSF कश्मीर, ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पे सेंटर बताया गया है। इसमें आप लोग को जो PT PhD कुछ चीज़ें जानकारी दी गई है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लेंगे। जो PT PhD में जो यहाँ पे डिक्लेयर किए गए थे, क्वालिफाइड थे, उनको यहाँ पे आप लोग को रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया है। रिटर्न एग्ज़ाम जो है आप लोग को अपने सेंटर पे पहुँचना है 18 अक्टूबर @6:00, ठीक है, आप लोग को 18 अक्टूबर को पहुँचना है यहाँ पे 6 बजे, अलॉन्ग विद आप लोग आइडेंटिटी कार्ड, एक आईडी कार्ड आप लोग लेके जाएंगे, ठीक है, जिसपे कि आप लोग की फ़ोटो वगैरह हो। इसमें आप लोग का जो एडमिट कार्ड भी आप लोग को लेके जाना है, जो कि आप लोग को PET PhD के टाइम पे प्रोवाइड किया गया था, वही आप लोग जो है एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड और आप लोग एक जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाएंगे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोग को DME यानी कि मेडिकल के बारे में भी बता दिया गया, मेडिकल की डेट जो है यहाँ पे 3 नवंबर 2020 बता दी गई है, जो कि आप लोग के रिक्रूटमेंट सेंटर और इनकी BSF की ऑफिशियल वेबसाइट दोनों ही जगह पे इसे आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा, इसकी दिक्कत आप लोग को लेने वाली नहीं है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग का जो है रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद आप लोग को मेडिकल की भी डेट दी गई, अब आप लोग को किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, आप लोग की जो है ये रैली भर्ती आप लोग की इस ईयर मेडिकल हो के रहेंगे और नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को जो यहाँ पे दूसरा नोटिस दिखाया गया, जी हाँ, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, इसमें क्या बताया गया, इसमें भी आप लोग को कुछ यही चीज़ें जानकारी दी गई हैं कि जो आप लोग के एग्ज़ाम थे 12 अप्रैल को होने वाले थे, लेकिन 18 अक्टूबर को यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है, 18 अक्टूबर को यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है, 10 आवर से
13 आवर्स एट रिस्पेक्टिव जो आप लोग का रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट सेंटर है वहाँ पे आप लोग का होने वाला है। पीईटी जो पीईटी पीएसटी और डॉक्यूमेंट सेशन में जो आप लोग क्वालिफाई किए थे वही रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाए गए हैं 18 अक्टूबर को 6 बजे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लेके जानी है इसके बारे में बताया गया। मटेरियल इनसे क्लिप बोर्ड, पेंसिल, पेन और बाल पेन, ब्लू ब्लैक, ठीक है, शार्पनर लेके जाना है, इरेजनल लेके जाना है जो कि रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा वैलिड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी आप लोग को लेके जानी है, मीन्स आप लोग के पास एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी हो इसमें आप लोग जो फोटो लगी हुई एडमिट कार्ड इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि आप लोग को प्रोवाइड कराया गया था पीटी पीएचटी और डॉक्यूमेंटेशन के टाइम। तो आप लोग को एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ लेके जाना, एक आईडी प्रूफ, दो आईडी प्रूफ आप लोग रख लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अभी आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है, 18 अक्टूबर बिल्कुल फिक्स है। आप लोगों का जो सेंटर है वहाँ पे आप लोग जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, एक आईडी प्रूफ लेके जाइए, अपना जो आप लोग एडमिट कार्ड मिला है वो लेके जाइए, विदाउट टेंशन जाइए, पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। अब इसमें कोई फेर बदल होने वाला नहीं है। इसके अलावा आप लोग को मेडिकल की डेट भी दीजिए 3 नवंबर। तो अब आप लोग की जो है भर्ती बिल्कुल रास्ते पे है, मींस बिल्कुल सही चल रही है। अब ये मान के चलिए आप लोग की जो है 2021 स्टार्टिंग में आप लोग की जो है जल्द से जल्द इसमें ज्वाइनिंग होने वाली है। तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को, सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि मैंने जो बताया है वो बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अब आप लोग की जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है अब आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और जाने से पहले यही कहूँगा, यदि चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय से पहले आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।